Hello everybody, my name is Abhinav Arora of Cambridge International School, the SUA of District Hoshiarpur. Today I am participating in the competition Ambassadors of Hope of Punjab, started by our Honorable Education Minister Mr. Vijendra Singla. Don't worry, मैं आपको बहुत ज़्यादा बातें सुना के बोर नहीं करूँगा. मैं बस आपको कुछ चीज़ें ही बताना चाहूँगा. आप लोगों को जैसे पता ही है कि हमारे देश पर बहुत बड़ी आफत आई हुई है जिसका नाम है कोरोना वायरस. जी हाँ, कोरोना वायरस. हमने नाम तो सुना ही होगा. इसने हमारे इतने सुंदर देश को, खुशहाल देश को, एक फीका देश बना दिया है. कुछ लोगों की गलती की वजह से हमारा इतना सुंदर देश फीका पड़ गया है. भले ही इसकी दवाई नहीं बनी, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक सुबह होती है. तो आज नहीं तो कल इसकी दवाई ज़रूर बन जाएगी. तब तक के लिए हमें बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा. जैसे कि हमारे PM मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन शुरू किया है, जिसके तहत कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकले, और हमें सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस से चाहिए कि हम इस वायरस से बच सके. जैसे कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, हाथ समय समय पर धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बाहर मत जाइए, और ऐसे ही कुछ और चीज़ें. मोदी जी ने 370 हटाया, फिर हम लोग लड़ने लग पड़े एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए. यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनेगी, यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, पर हमारी लड़ाई फिर भी ख़त्म नहीं हुई. फिर ये CA के लिए लड़ने लग पड़े, पर आज नहीं लड़ रहे, क्योंकि सबको अपनी जान की फिक्र है, अपने परिवार वालों की जान की फिक्र है, अपने देशवासियों के जान की फिक्र है. और कुछ लोग अपने आप को इसलिए बहादुर समझते हैं कि हम लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं, हम बहुत बहादुरी वाला काम कर रहे हैं. नहीं दोस्तों, ये कोई बहादुरी वाला काम नहीं है. बहादुरी इसमें है कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए और घर पे रहिए. और मैं आखिर में अपने डॉक्टर्स, अपने पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को सल्यूट करना चाहता हूँ, जो हमारे लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.